आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आज मेरी बात सुनने के लिए आए हैं और हमसे जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भाई बहन और भी लोग हमारी इस बात को जान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग मेरी इस बात को सुनने के लिए आए हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय निकाला है और मेरी इस बात को सुनने के लिए आए हैं। श्याम शर्मा जी, संजीव दीक्षित जी, आशीष दीक्षित जी, आप सभी को बहुत धन्यवाद। वीरेन चौहान जी, ऋषभ गुप्ता जी, सिद्धार्थ वाजपेयी जी, आशा करती हूँ आप ये वीडियो अपने और दोस्तों तक भी पहुँचाएं, जो मेरी बात उन तक पहुँच सके। संचित पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव पांडे प्रधान जी, विनीत हरौली जी, गोपाल मिश्रा, गोलू जी, आप सभी का बहुत स्वागत और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मिर्जा साबिर जी, डिंपल गुर्जर जी, आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखने आए हैं, मेरी बात को सुनने आए हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ जो लोग भी मेरी बात आज सुन रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। ये बात मैं हर किसी तक पहुंचाना चाहती हूँ। रवि शुक्ला जी, अंकुर पाठक जी, आप सभी लोगों से यही मेरा विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरी बात उन तक पहुंचाइए। अश्वनी कथेरिया जी, प्रवीण विश्वकर्मा जी, सत्यम तिवारी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। और ज्यादा से ज्यादा इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आज जो मैं लाइव कर रही हूँ उसमें जो मैं बातें रखने वाली हूँ ये लोगों तक पहुंचे। ये आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सोनू पाल जी, दीपराज गुर्जर जी, अनिल शर्मा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार कि आप सब लोग आए मेरी बात को सुनने आए। और आशा करती हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे जिन लोगों को हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं वो ये बात उन सब तक पहुंचे। गौरव विशेष द्विवेदी जी, कमलेश मिश्रा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशुष सफल जी, सुशील कर्ण गौतम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आ रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं और मैं चाह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। अरविंद शुक्ला जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से सोच रही थी बोलूं या ना बोलूं, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब बोलना ही पड़ेगा। मामला बहुत ही दुखद, भावनात्मक और संवेदनशील है। बात एक पखवाड़े पूर्व 11 जुलाई 2023 की है। मेरे परिवार के ही अभिन्न अंग श्री बुद्ध सिंह पटेल जी ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली। जब कोई अपना नहीं रहता, यह दुख पापा के ना रहने के बाद मैंने उस दिन महसूस किया। पूरा शीर सागर परिवार और उनके परिवारजन घटना के 3 दिनों तक एक दूसरे का दुख बांटने की कोशिश कर रहे थे। पटेल सर, जैसा मैं उन्हें हमेशा कहती थी, उनके ना रहने पर उनके परिवार व बच्चों की भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आर्थिक रूप से मैंने सुनिश्चित की थी। लेकिन इस बीच अपनेपन ने रिश्तों में भी सियासत ने प्रवेश किया। घटना के कई दिनों बाद मेरे पति सुदामा दीक्षित को पटेल सर की मौत का जिम्मेदार ठहराकर उन पर मुकदमा लिखवा दिया गया।
मैं पटेल सर के परिवार का दुख महसूस कर सकती हूँ। हम सब ने एक थाली में खाना खाया है। शीर सागर उनके परिवार के लिए हमेशा उनका अपना घर था और हमेशा ही रहेगा। परिवारजन अभी इतने दुख में हैं कि वो उनमें कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, मैं यह भी जानती हूँ। इसी बीच एक सुसाइड नोट को आधार बनाकर मुकदमा लिखवाया गया, जो कि घटना के 4 दिन बाद एक फोटोकॉपी के रूप में प्रकट हुआ। मैं ये भी नहीं कहती कि यह नोट सही है या गलत है, लेकिन मेरा और मेरे पति की यही मांग है कि उस कागज की लैब में सत्यता प्रमाणित की जाए, उसकी प्रॉपर चेकिंग कराई जाए, क्योंकि आज तक सुसाइड की जितनी भी घटनाएं आप सभी ने देखी होंगी, वहां पे सुसाइड नोट हमेशा हस्तलिखित होता है और घटना वाले दिन ही बरामद होता है। जहां तक मैं जानती हूं, ये शायद पहला मामला है जब किसी व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट की फोटोकॉपी करवाई है। खैर, मेरी पूरी संवेदनाएं मृतक और उनके परिवारजनों के साथ हैं। मुझे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर भी पूरा भरोसा है कि मेरे पति पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और न्याय देंगे। लेकिन मेरा यह भी अनुरोध है कि इस मामले को जातीय रंग ना दिया जाए। आप सब जानते हैं कि जिले के एक सत्ताधारी नेता मेरे पति और मेरे परिवार की राजनीति को भस्म कराने चाहते हैं। यह सब भी उन्हीं के द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र है। सालों से वे मेरे पति के पीछे पड़े हैं। कभी केपीएल को रुकवाते हैं, कभी मेरे पति सुदामा दीक्षित के खिलाफ मुकदमे लिखवाए जाते हैं। उसमें जब प्रमुख जी नौजवानों के सम्मान के लिए ना डरे ना ही झुके, तो उन नेताजी ने एक महिला को आगे कर मेरे पति पे 376 का मुकदमा लिखवा दिया। आप सबकी कृपा का फल था कि बड़ी बड़ी जांचों के बाद भी प्रमुख जी पर लगाए गए सारे आरोप निराधार पाए गए, सारे आरोप झूठे निकले। उसके बाद नेताजी ने गैस एजेंसी पर छापा डलवाया और उसे सीज कराने की कोशिश की। कॉलेजों की जांच कराई गई। उरई और माधोगढ़ के हमारे घरों पर बिजली के छापे डलवाए गए। यहां तक कि शीर सागर की आगे की बिल्डिंग को अवैध बताकर तुड़वाने का भी प्रयास किया गया। आप सबको अब मैं और क्या क्या बताऊं, कहां तक बताऊं? हम सब कितने तनाव से गुजर रहे हैं ये कहा नहीं जा सकता। मेरी दादी सास मरणासन्न स्थिति में है। बीते 15 दिनों से चम्मच भर पानी भी उनके मुंह में नहीं जाता। वो इतनी बीमार है। मेरे ससुर साहब किडनी से पीड़ित हैं और गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। मेरी माँ अस्वस्थ हैं। हम लोग वैसे ही इतने तनाव से जूझ रहे हैं और इन सब के बीच यह षड्यंत्र हमारे लिए असहनीय हो गया है। जिले के वे नेताजी अगर कहें तो मैं और मेरा परिवार राजनीति से संन्यास ले लें और उरई छोड़कर कहीं और रहने को चले जाएं, क्योंकि प्रमुख जी की भी सहनशीलता की हद है। वह तो ईश्वर की कृपा है, आप सबका इतना अपनापन है और समर्थन है जो मेरे आत्मबल को मजबूत बनाता है। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी जिले के उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, उन सभी राजनेताओं को और आप सबको जो इस मुसीबत के समय न्याय और अन्याय के बीच न्याय के लिए खड़े हैं। और हाँ, मैं जिम्मेदारी पूर्वक आप सबको साक्षी मानकर यह कहूंगी कि जब भी प्रमुख जी किसी भी जांच में दोषी पाए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई ज्ञापन नहीं, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे स्वयं कोतवाली जाकर आत्मसमर्पण कर देंगे। यही बात मैं आप तक इस लाइव के थ्रू पहुंचाना चाहती थी, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि जो न्याय और अन्याय की ये लड़ाई चल रही है, आशा करती हूं आप सभी लोग इसमें न्याय का साथ देंगे। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।